जादुई फेस पाउडर। राजापुर नाम के एक गांव में एक दुकानदार अपनी पत्नी सरला और बेटी बिंदु के साथ रहता था। बिंदु की माँ बहुत ही सीधी साधी और सरल व्यवहार की महिला थी। वहीं दूसरी तरफ पिताजी एक छोटी सी खिलौने की दुकान चलाते थे। उस खिलौनों की दुकान से उन लोगों को इतना मुनाफा नहीं हो पाता था कि बिंदु अपने मन पसंद की हर एक चीज खरीद सके। बिंदु एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं कॉलेज में आ गई हूँ। मेरे कॉलेज के सारे बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आते हैं, आप भी मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े क्यों नहीं खरीदती? क्या पिताजी हमें थोड़े पैसे ऊपरी खर्चे के लिए नहीं दे सकते? बेटा बिंदु, तुम अच्छे से जानती हो कि हमने तुम्हारे स्कूल और कॉलेज की फीस भी बहुत मुश्किल से भरी है। अभी तुम्हारे पिताजी इतना नहीं कमा पाते कि हम ऊपरी खर्च भी कर सके। मेरे इलाज में ही बहुत खर्चा हो जाता है, उसके बाद घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है और तुम ऊपरी खर्चे की बात कर रही हो। माँ की बातें सुनकर बिंदु नाराज मन से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर अपने मन में सोचती है, मेरी सारी सहेलियाँ कितनी सुंदर दिखती है। उनके पास रोज रोज नया नया हर सामान होता है, रोज पार्लर जाते हैं, इतना अच्छा मेकअप करा कर आते हैं। मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही मेकअप का कुछ सामान, इसलिए मैं बाकी लड़कियों के जैसे सुंदर भी नहीं दिखती। अगले दिन बिंदु अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज में जाते ही बिंदु की सहेली रेशमा उसे मिलती है और रेशमा कहती है, बिंदु तुम भी हम सब की तरह सुंदर बनकर क्यों नहीं आती हो? देखो सब कॉलेज में कितने सुंदर लगती हैं और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सो के सुबह सीधे स्कूल आ जाती हो। बिंदु रेशमा की बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सर नीचे करके रेशमा की सारी बातें सुनती रहती है। अगर तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे यूँ मेकअप करके बन ठन के रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आती हूँ। मैं तुम्हें अपने घर के पास वाले पार्लर में ले चलती हूँ, वहाँ पर तुम्हारा बहुत ही सुंदर मेकअप करेंगे और फिर तुम भी सबकी तरह खूबसूरत हो जाओगी। अरे नहीं नहीं रेशमा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदु की ये बात सुनकर सारी सहेलियाँ उस पर हंसती है। तभी बिंदु अपने मन में सोचती है, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, मेकअप भी कराना चाहती हूँ, सबकी तरह सुंदर भी दिखना चाहती हूँ, पर इन सभी चीजों के पैसे भी तो लगेंगे। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मैं मेकअप भी करवा सकूं। अब कॉलेज के सारे क्लास अटेंड करने के बाद बिंदु घर आती है। घर आकर बिंदु खुद को शीशे में बहुत देर तक देखती है। बिंदु खुद को शीशे में देखकर कहती है, काश मैं भी अपनी सारी सहेलियों की तरह सज धज के रहती, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी पार्लर जाकर खूबसूरत बन सकती, मेरे पास भी सुंदर कपड़े होते मेरी सहेलियों के जैसे, मेरे पास भी सब कुछ नया नया होता तो कितना अच्छा होता। तभी बिंदु की माँ उसके कमरे में आ जाती है और उसे बोलती है, बिंदु बेटी ऐसे अकेले में तुम क्या बड़बड़ा रही हो, चलो मेरे साथ बाजार चलो। बाजार चलकर सब्जियाँ ले आते हैं, रात के खाने के लिए भी तो कुछ सब्जियाँ चाहिए, तुम्हारे पिताजी को आज वैसे भी आने में थोड़ी देरी होगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ, पर आज पिताजी लेट क्यों आएंगे, क्या हुआ? बेटा पिताजी की दुकान सही से चल नहीं रही है, इसलिए वो कह रहे थे कि आज ज्यादा देर तक दुकान खोलेंगे, इसलिए वो आज लेट आएंगे। अच्छा ठीक है माँ, चलो हम बाजार चलते हैं, वरना शाम ढल जाएगी, बाजार से वापस आकर हमें खाना भी तो बनाना है। सरला और बिंदु बाजार जाते हैं। बाजार में वो सब्जियाँ खरीदते हैं। सरला सब्जी खरीद ही रही होती है, तभी बिंदु की नज़र आसपास की दुकानों पर होती है। वो बड़े ही ध्यान से मेकअप की दुकान को देख रही थी। तभी वो इतना सारा मेकअप देखकर खुद से बोलती है, इन दुकानों में कितने सुंदर सुंदर मेकअप के सामान हैं। बिंदु उस मेकअप की दुकान के अंदर जाती है और वहाँ खड़े होकर मेकअप का सारा सामान देखने लगती है। तभी पीछे से सरला बिंदु को ढूंढते ढूंढते उस दुकान में पहुँच जाती है। दुकान में पहुँच कर सरला बिंदु से बोलती है, अरे क्या हुआ बिंदु, क्या देख रही हो? चलो बेटी यहाँ पर सभी सामान बहुत महंगे हैं, हम यहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। माँ क्या मैं ये पाउडर का डब्बा ले लूँ? ये पाउडर का डब्बा सारे सामानों में सबसे सस्ता है। सरला अपनी बेटी को इनकार ना करते हुए
को सोचते हुए धीरे से बोलती है। अच्छा ठीक है बिंदु बेटी, ले लो तुम ये पाउडर का डब्बा। कितने का है? एक मिनट माँ, मैं दुकान वाले भैया से पूछती हूँ। भैया ये पाउडर का डब्बा कितने का है? जी यह पाउडर का डिब्बा तो सिर्फ 5 रुपए का ही है। ठीक है भैया दे दीजिए। वो फेस पाउडर का डब्बा दुकानदार बिंदु को 5 रुपए में दे देता है। रात होने के बाद बिंदु और उसके माता पिता सभी सो रहे होते हैं। आधी रात को पाउडर का डब्बा बिंदु की तरफ देखकर उसे बोलने लगती है। अब मैं आ गई हूँ, बहुत सुंदर हो जाओगी अब तुम बिंदु, लोग अब बहुत तारीफें करेंगे तुम्हारी। ये सुनकर बिंदु को बहुत आश्चर्य होता है और वो झटके से अपनी आँख खोल लेती है, पर अपने आसपास कुछ ना पाकर वो वापस सो जाती है। अगली सुबह होती है और बिंदु अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। तभी वो अपने फेस पाउडर के डब्बे में से थोड़ा सा पाउडर लेकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। बिंदु जैसे ही पाउडर लगाकर अपनी आंखें खोलती है, बिंदु चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ये क्या, कि ये सच है कि मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ? मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा। माँ आप जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया, इस पाउडर ने तो कमाल ही कर दिया, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बिंदी को यूँ चिल्लाते हुए देखकर उसकी माँ घबराती हुई दौड़कर उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बिंदु, तुम चिल्ला क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना? सरला बिंदु को शीशे के सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है। सरला बहुत खुश होकर और आश्चर्यचकित होकर कहती है, बिंदु बेटी तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माँ ये सब इस पाउडर का कमाल है, इस पाउडर को लगाते ही मैं इतनी सुंदर हो गई, और मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रही हूँ कि ये मैं हूँ। बिंदु और सरला एक दूसरे से खुशी जताते हैं। थोड़ी देर के बाद बिंदु अपने कॉलेज चली जाती है। कॉलेज में सब बिंदु को देखकर हैरान रह जाते हैं। रेशमा और कॉलेज की बाकी सारी सहेलियाँ बिंदु को देखकर बोलती है, अरे तुम कौन हो, कितनी सुंदर लग रही हो तुम तो बिल्कुल परी दिखती हो। अरे रेशमा मैं हूँ बिंदु। रेशमा अपनी आँखों को मसलते हुए बोलती है, अरे बिंदु तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? हमें भी अपनी खूबसूरती का राज बता, तूने कौन से पार्लर से मेकअप कराया, हमें भी उस पार्लर का नाम बता। अरे नहीं नहीं मैंने किसी भी पार्लर से मेकअप नहीं करवाया, मैंने तो खुद ही घर में मेकअप करा है, मैं किसी पार्लर में नहीं गई। अच्छा तो कल क्या तू मेरा मेकअप कर देगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अगली सुबह कॉलेज जाने से पहले रेशमा बिंदु के घर पहुंचती है। चल बिंदु अब तो जल्दी से मेरा मेकअप कर दे, मुझे भी तेरे जैसा सुंदर दिखना है। अच्छा ठीक है, सुन वो शीशे के सामने पाउडर का डब्बा रखा है ना, बस तो वो लगा ले। बिंदु की बात सुनकर रेशमा जैसे ही वो पाउडर अपने चेहरे पर लगाती है, बिंदु के ही जैसे वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। रेशमा ये देखकर हैरान रह जाती है। ये देखकर रेशमा अपने मन में बोलती है, अरे इस पाउडर में ऐसा क्या है जो लोग लगाते इतना सुंदर हो जाते हैं, मैंने तो जरा सा बस पाउडर ही लगाया और मैं इतनी खूबसूरत हो गई, लगता है ये पाउडर जादुई है, अगर मैं ये पाउडर का डब्बा चुरा लूं तो पूरे कॉलेज में मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं होगी। रेशमा पाउडर का डब्बा चोरी से अपने बैग में डाल लेती है और बिंदु के साथ कॉलेज चली जाती है। अगले दिन जब रेशमा अपने घर में तैयार हो रही होती है, वो उस पाउडर के डब्बे को दोबारा खोलकर लगाने लगती है। अब वो पाउडर लगाते ही बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगती है। रेशमा अपने आप को शीशे में देखकर जोर जोर से चिल्लाती है, अरे मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? मैंने तो कल ही ये पाउडर लगाया था, तब तो मैं बिंदु से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रेशमा की ये सारी बातें सुनकर पाउडर के डब्बे में से आवाज आती है, मैं बस अच्छे लोगों की मदद करती हूँ जिनकी नीयत अच्छी होती है, और जो लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं और मतलबी होते हैं, मैं उन लोगों के साथ ऐसा ही करती हूँ। रेशमा घबरा जाती है, अरे ये पाउडर का डब्बा बोल कैसे सकती है? हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं जिसे चाहे खूबसूरत बना सकती हूँ और जिसे चाहे बदसूरत भी बना सकती हूँ। पाउडर की ये बात सुनकर रेशमा को अपनी गलती पर पछतावा होता है और फिर वो अपने आप से कहती है, अब से मैं किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचूंगी।
इतना कहकर रेशमा तुरंत पाउडर का डब्बा लेकर बिंदु के घर पहुंच जाती है और पाउडर का डब्बा बिंदु को दे देती है। बिंदु मुझे माफ कर दो, मैंने लालच और स्वार्थ के कारण तुम्हारा पाउडर का डब्बा चुरा लिया था, लेकिन मुझे उसकी सजा मिल गई। ये देखो मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया। अच्छा एक मिनट रुको रेशमा, हे पाउडर के जादुई डिब्बे, मेरी सहेली रेशमा को पहले जैसे बना दो, इसे क्षमा कर दो प्लीज। बिंदु के इतना कहते ही रेशमा का चेहरा वो पाउडर एकदम ठीक कर देती है और अब रेशमा पाउडर के डब्बे के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। अब बिंदु अपनी सारी सहेलियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।